Hello everyone, once again welcome to my channel and hope you all are doing very well. So guys, आज का ये जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट अफोर्डेबल एक्शन कैमरा एंड माइक, मतलब टोटल जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप होता है, बेस्ट अफोर्डेबल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कौन सा है। सो गाइज, मैं जो पर्सनली मोटो ब्लॉगिंग सेटअप यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ SJ कैम J6 लेजेंड का एक्शन कैमरा एंड उसका ही जो ऑफिशियल ओरिजिनल माइक आता है वो वाला माइक। सो गाइज, जो SJ कैम J6 लेजेंड है वो ये है। इसका मैंने प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसका बाइंग लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से बाई भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज, ये एक 4K 24 FPS में रिकॉर्ड करने वाला एक्शन कैमरा है एंड उसका 4K 24 FPS उतना बेटर नहीं है। आप 1080p 60 FPS में रिकॉर्ड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर आएगा इसमें। एंड डुअल स्क्रीन आता है कैमरा में, जायरो, स्टेबिलिटी, सारे फीचर्स आते हैं। अब इसको हम जो गोप्रो आता है, Insta360 आता है, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गोप्रो का आप सेटअप बनाने जाइएगा तो ऑलमोस्ट वो 50,000 तक आता है एक प्रॉपर सेटअप गोप्रो का। उसका पर्सनल माइक अडेप्टर आता है, उसका माइक आता है एंड उसका जो गोप्रो का जो एक्शन कैमरा है वो भी ऑलमोस्ट 36,000 to 40,000 कॉस्ट करता है। ओके, तो अब एक्शन कैमरा विद इन 15,000 बेस्ट है ये वाला। 15,000 से भी कम में इसका सारा पूरा सेटअप हो जाता है, आप हेलमेट पर पूरा माउंट कर सकते हैं, सारा माउंट वगैरह, आपका जो एक्सटेंडर आता है, सारा चीज़ विद इन 15,000 आपका हो जाएगा। तो अब जो मेन प्रॉब्लम है इसके साथ, अब एक प्रॉब्लम है, कैमरा का आउटकम तो बहुत अच्छा है, इस कारण से कैमरा इस प्राइस रेंज में बेस्ट है। अब प्रॉब्लम है इसका जो ओरिजिनल माइक है, ये वाला SJ कैम का जो ये वाला ओरिजिनल माइक है, इससे है प्रॉब्लम। अब ये माइक में दिक्कत क्या है, ये माइक मेन वॉइस की जगह जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो ज़्यादा कैप्चर करता है, मतलब नॉइज़ कैंसलेशन इसमें एकदम ज़ीरो है। तो मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया, आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब में SJ कैम का माइक का बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है। तो अब मोटो ब्लॉगिंग में सबसे मेन चीज़ होता है वॉइस, अगर माइक नहीं सही आएगा, वॉइस सही नहीं होगा तो वॉइस क्वालिटी एकदम ख़राब होगा, तो वीडियो का एकदम वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो अब दिक्कत क्या है इसमें कि मैंने YouTube में सर्च किया, वहाँ पे लास्ट ऑफ द लाइन मुझे जो इसका मिला कि सोल्यूशन मिला इसका, वो है कि इसको आप कट करो, माइक वाला पार्ट इसको कट कर दो एंड कोई भी जो 3.5 mm फीमेल कनेक्टर आता है, मतलब ऐसा वाला कुछ है ना, जैसे ही मेरा लाइटनिंग 2 3.5 है, कोई भी आपको C2 3.5 मिल जाएगा, उसको बीच से आप कट करो एंड माइक वाला पार्ट को यहाँ पर कट करके 3.5 वाला लगा दो, तो आप कोई भी माइक यूज़ कर सकते हो किसी भी ब्रांड का। अब एक चीज़ आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई कट करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट भी दूसरा माइक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिक्कत है SJ कैम ने क्या किया है कि आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिखेगा नॉर्मल USB मिनी भी 5-pin वाला सेम दिखता है, पर दिक्कत क्या है इसमें, ये USB मिनी भी तो है पर इसमें 10-pin है। अब 10-pin वाला मार्केट में हो चुका है बंद एंड मैंने बहुत सारे डीलर्स को कांटेक्ट किया, नहीं है मार्केट में, मैंने गया बहुत सारे पार्ट्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर भी नहीं मिला। फाइनली अमेज़ॉन में एक प्रोडक्ट मिला, वो लाइटनिंग केबल के साथ कुछ था, मैंने उतना याद नहीं है, उसमें क्या था, ये 10-pin वाला पोर्ट था उसमें एंड ऑलमोस्ट वो 1750 रुपये कॉस्ट करता है। तो अगर हम फिर से वो ख़रीदेंगे तो फिर से 1750 का केबल आएगा, उसके से हम कट करेंगे, फिर दूसरा माइक के साथ ऐड करेंगे, अगर हम इसको काटना नहीं चाहेंगे तो। पर वो मुझे उतना सही नहीं लगा, इस कारण से काटने से इसको तो लास्टली ऑप्शन है कि भाई काट के आप कोई जुगाड़ करके 3.5 में लगा लो एंड आराम से दूसरा माइक लो तो आपका काम हो जाएगा। पर मेरे अकॉर्डिंग भाई काटने से पहले कोई दूसरा अगर चीज़ सोल्यूशन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस, अभी हम इसको क्या करेंगे कि आप कोई भी सूती कपड़ा आपको घर में मिल जाएगा तो आप वो लीजिए, सूती कपड़ा थोड़ा सा कॉटन लीजिए, जैसे मेरे पास है कि ये सूती कपड़ा है थोड़ा सा छोटा सा एंड कॉटन है मेरे पास, तो आप क्या कीजिए, कॉटन को थोड़ा सा ऐसे फैला लीजिए एंड इसके अंदर डाल दीजिए कॉटन को एंड उसके बाद जो माइक है, माइक में आप इसको कवर कर दीजिए ऐसे, बस
कुछ ऐसे, बस इतना सा आपको करना है, कवर कर दीजिए। उसके बाद अब जो मेन चीज़ है कि इसको माइक को रखना कहाँ है, प्लेस कहाँ करेंगे माइक को, क्योंकि हेलमेट में अगर चीन के पास रखेंगे विंड नॉइज़ आएगा, वाइजर से थोड़ा बहुत आता है, एयरवे जो रहता है उससे थोड़ा बहुत आता है, नीचे से भी आता है, तो जो विंड ब्लास्ट है उसका ही ज़्यादा कैप्चर करेगा तो आपको वॉइस आएगा नहीं। तो आपको जो ये माइक है वो ऐसे ईयर के पास रखना है ना, ईयर के पास जो साइड पैडिंग होता है, या तो राइट या तो लेफ्ट, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, बस उसको ईयर के पास ऐसा रखना है। तो उससे क्या होगा, जो विंड ब्लास्ट है वो 80% तक रिड्यूस हो जाएगा, तो चांस है कि इसका वॉइस जो है वो क्लियर आए। तो चलिए पहले माउंट करते हैं अपना एक्शन कैमरा एंड माइक को हेलमेट में, मैं दिखाऊंगा सारा प्रोसेस आप लोग को, तो टाइम लैप्स इंजॉय कीजिए एंड बीच बीच में आप सबको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ओके, मैं अपना हेलमेट यूज़ करूंगा, ये है मेरा स्टर्ट्स का थंडर, एंड जो ये वाला कपलर माउंट हो गया, ये कपलर माउंट आपको ऑलमोस्ट 399 में मिल जाएगा। मैंने ये 399 में ख़रीदा है, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ओके, एंड ये वाला जो एक्सटेंडर है, ये आपको जो एक्शन कैमरा है उसके साथ ही आपको मिलता है, सो टेंशन का कोई बात नहीं है। तो चलिए पहले मैं एक्शन कैमरा लगाऊंगा, एंड ये वाला जो माउंट है ओपन माउंट, ये वाला मैं यूज़ करूंगा। एंड सबसे पहले जो कैमरा है उसको हम इसमें लगाएंगे, कुछ ऐसे। ओके, कुछ ऐसे लगाएंगे कैमरा को, एंड देन ये जो हेलमेट है उसमें हम फिटिंग करेंगे। तो ज़्यादातर आप देखें कि जो कैमरा है वो कुछ ऐसे रहता है, कुछ ऐसे रहता है कैमरा, पर हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम कोई दूसरा तरीका लेंगे कि जो कैमरा है उसको नीचे लगाएंगे हम। जैसे मेरा कैमरा लग गया, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई कैमरा आपने नीचे क्यों लगाया। तो कैमरा का मेन है कि कैमरा ज़्यादातर टाइम आप 90% या 99% 100% आप ब्लॉगर को देख सकते हैं कि वो ऊपर लगाता है कैमरा, पर ऐसे हम क्यों लगाए, क्यों देखिए इसका जो वाइड एंगल है, एंड जो हम लोग इसका जब जायरो ऑन कर देते हैं तो वाइड एंगल थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब ऊपर लगाते हैं तो एंगल उतना समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा अप एंड डाउन कैमरा को करेंगे तो कभी बाइक नहीं आएगा, तो कभी रोड से इसे पूरा रोड आएगा एकदम। इस कारण से परफेक्ट जो एंगल है उसको करने के लिए ये वाला जो माउंटिंग है, जो डाउन माउंटिंग है, ये वाला सबसे बेस्ट लगा मुझे। इसमें बाइक प्रॉपर आता है, आपके हैंड्स प्रॉपर दिखेंगे कि आप बाइक राइड कर रहे हैं, तो हैंडल्स बार में आपका जो हैंड है वो प्रॉपर दिखेगा, रोड का विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। इस कारण से ये वाला एंगल मुझे सबसे बेटर लगा, इस कारण से मैंने या माउंट किया ये वाला। अब मेन जो आ जाता है माइक के ऊपर कि माइक हम कहाँ पे माउंट करें, माइक जो है ना हम लोग माउंट करेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में, यहाँ पे हम लोग माउंट करेंगे माइक, हम लोग का यहाँ रहेगा अंदर। तो चलिए जल्दी से माइक को माउंट करते हैं, इस क्लिप को हम लोग यहाँ लगा देंगे तो ये जो वायर है वो हिलेगा नहीं। ओके, तो देखिए मेरा सारा काम खत्म हो गया एंड मैंने माइक अच्छे से लगा दिया, माइक आपको दिखेगा यहाँ पे अंदर में, देख सकते हैं माइक जो है, माइक यहाँ पे अंदर में है, माइक यहाँ पे है आप देख सकते हैं, एंड जो कैमरा का एंगल है वो भी प्रॉपर सेट है। एंड चलिए जल्दी से अब चलते हैं, छोटा सा एक मोटो ब्लॉग करते हैं एंड टेस्ट करते हैं कि जो कैमरा का एंगल है वो कैसा है, एंड जो माइक का जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन प्रॉपर नहीं आया तो इसका एक सेकेंड वीडियो हम बनाएंगे, एंड उसमें वही सेम प्रोसेस करेंगे, 3.5 mm को काट के इसके साथ सारा प्रोसेस मैं आपके सामने दिखाऊंगा, कैसे हम सारा चीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे सारा चीज़ बना रहे हैं। ओके, और अगर सही आ जाए तो भाई वेल एंड गुड, पर एक चीज़ मैं अगर SJCAM टीम से कोई भी देख रहे हैं तो मैं उन लोग को बताना चाहूँगा कि भाई इतना अच्छा कैमरा है SJCAM J6 Legend, इतना अच्छा एक कैमरा है, अफोर्डेबल कैमरा, एक्शन कैमरा आता है, उसका माइक अगर 1500 रुपये का ये जो माइक है अब 2000 का कर दीजिए, पर ये जो नॉइज़ कैंसलेशन है ये वाला मैटर अगर सॉल्व हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, जो न्यू कमर्स मोटो ब्लॉगर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो गाइस चलिए टेस्ट करते हैं इसको, छोटा सा एक मोटो ब्लॉग करेंगे एंड वीडियो को एंड उसी में करेंगे हम लोग। सो गाइस लेट्स गो एंड हैव अ शॉर्ट मोटो ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द मोटो ब्लॉग, एंड अभी मैं जो मेरा पूरा सेटअप है वो SJCAM का सेटअप है, एंड अभी आई डोंट नो कि जो मेरा वॉइस है वो कैसा आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वो तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा, और अगर आप लोग को आवाज़ सही से आ रहा है
तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड योर वॉइस, थोड़ा सा भी क्लियरिटी है वॉइस में तो इसका मतलब जो मैंने सेटअप किया है वो परफेक्ट है। सो गाइस चलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि माइक का जो आवाज़ है वो कैसा आ रहा है। एंड गाइस अभी स्पीड है 50 एंड गाइस नाउ आई एम ऑन 60। होप सो जो साउंड है माइक का वो प्रॉपर कैप्चर कर रहा होगा, आई डोंट नो कि कर भी रहा होगा कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा लो क्वालिटी लगता है ये वाला माइक, वो क्या ही बताए। ट्रैफिक है इस कारण से ज़्यादा नहीं होगा स्पीड, आई थिंक 60 तक मैंने जो टेस्ट किया वो इनफ है, क्योंकि मोटर ब्लॉगिंग के टाइम में उतना ज़्यादा हम लोग बात करने के टाइम में स्पीड नहीं रखते हैं, फिर भी देखते हैं होता है कि नहीं। नाउ गाइस आई एम 70, आई डोंट नो कैसा आ रहा होगा जी भी, कोई नहीं। 70 तक हमने टेस्ट किया कि माइक कैसा वर्क कर रहा है कि नहीं, अगर माइक प्रॉपर वर्क कर रहा है तो मेरा ये पूरा जो सेटअप है वो सही है, इसका मतलब वायर को काटने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जुगाड़ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वॉइस सही से नहीं आया तो भाई फाइनली हमको वही सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो मेजोरिटी ऑफ यूट्यूबर्स ने अपनाया है, वही सेम काट के। एंड उसका मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ सारा सेटअप। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो यार, तो और ज़्यादा अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।